सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ करण अरोरा। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर साइंस में, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने बेसिकली जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में या फिर 8th स्टैंडर्ड में, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन, ये तीन प्रोसेस जो होती है उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत टच लिया हुआ है। ओके, मैं आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करा देता हूँ, आपको थोड़ा बहुत मैं डिक्टेट कर देता हूँ कि हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है। मान लीजिए कि कोई लाइट है, राइट, हम लोग लाइट को जो है वो रेस के तौर पे बताते हैं। तो मान लो कि लाइट है, अगर वो सरफेस पे अथड़ाती है, अगर वो सरफेस को हिट करके वापस चली जाती है, मान लीजिए ये सरफेस है, ये सरफेस को हिट करके वापस चली जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, अब ये सरफेस है, लाइट आती है और अंदर एब्जॉर्ब हो जा अंदर चली जाती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन। अगर वो आर पार हो जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन। सरफेस को हिट करके बाउंस बैक हो जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन। एक हो गया रिफ्लेक्शन, जहाँ पे बाउंस बैक होके चली जाती है, दूसरा हो गया आर पार हो जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और तीसरा लाइट आती है, सरफेस पे अथड़ाती है और गायब हो जाती है, ना बाउंस होके वो पार जाती है ना ये पार आती है, तो ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी जब लाइट जो सरफेस पे आती है तो तीन प्रोसेसेस होती है। आपको कोई पूछे तो आपको ये चीज़ बोलना है कि तीन प्रोसेस होती है। नंबर वन इज रिफ्लेक्शन, नंबर टू इज रिफ्रैक्शन एंड नंबर थ्री इज एब्जॉर्प्शन। ये तीन चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं होता। तो हमारा ये चैप्टर जो है ह्यूमन आई पे जो बना हुआ है, ह्यूमन आई पे भी हम लोग यही सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। आपको पता है एक आई जो है, तो आई का एक सरफेस हो गया, तो लाइट क्या होता है, यहाँ पे आर पार होती है, तो क्या हो जाता है, लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये कौन सी चीज़ हो गई फ्रेंड्स, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन। ये चीज़ कौन सी हो गई, रिफ्रैक्शन। आज हम लोग जो है वो टेक्स्ट बुक के साथ थोड़ा ट्राई करने वाले हैं, लाइन टू लाइन में, जैसे लेक्चर में पढ़ता हूँ वैसे ही मैं आपको डिक्टेट करके बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग आज गो थ्रू करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे लेट्स गो विद एन इंट्रोडक्शन पैरा। ओके, सो क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज। आपको कर्सर शायद दिख रहा होगा, यू कैन गो थ्रू द कर्सर एंड कीप द आई ऑन इट। आप आई रखे कर्सर पे, वही लाइन में पढ़ रहा होगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, यू हैव स्टडीड अबाउट द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय द लेंसेज। हाउ कैन दिस आइडिया हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन आई? द ह्यूमन आई यूजेस द लाइट एंड इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ह्यूमन आई क्या है? तो ह्यूमन आई जो है वो लाइट का उपयोग करता है और उसके कारण हमको जो ऑब्जेक्ट्स है वो दिखाई देते हैं। जैसे आपके टेबल पे पड़ा हुआ बुक आपको दिखाई देता है, ग्लास आपको दिखाई देता है, मिरर आपको दिखाई देता है, तो हर एक चीज़ क्यों दिखाई देती है आपको? तो वो आपका जो आई है वो लाइट का उपयोग करता है, लाइट का यूज़ करता है और उसके कारण ही आपको हर एक चीज़ फ्रेंड्स दिखाई देती है। ओके, सो यहाँ पे वही दिया हुआ है, इट हैज अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर। उसके अंदर क्या होता है, एक लेंस फिट किया हुआ है, एक लेंस है उसके अंदर, जिसके कारण उसका स्ट्रक्चर और भी इनेबल बन जाता है सारी चीज़ों को देखने के लिए। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेंस इन द ह्यूमन आई? तो एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ह्यूमन आई, जैसे मैंने आपको बोला लेंस के कारण ही चीज़ें दिखती है, तो ह्यूमन आई में लेंस का क्या उपयोग है? ओके, हाउ डू द लेंसेज यूज इन द स्पेक्टिकल करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ द विजन? आपको पता है कि भाई हम लोग जैसे कि मेरे स्पेक्टिकल्स है, तो ये स्पेक्टिकल्स मैंने क्यों पहने हुए हैं? तो ये स्पेक्टिकल्स जो है वो डिफेक्ट जो मेरे आंखों में पड़ गई हुई है, कि जो चीज़ें मेरे को नहीं दिखती, उसको ठीक करने के लिए ये लेंसेज बनाए जाते हैं। तो उसी तरह का लेंस हमारे आई के अंदर भी है, ये क्या करता है, जो हमारे विजन को है वो क्लियर करता है, ताकि हमको चीज़ें फ्रेंड्स दिखाई दे। ओके, सो लेट अस कंसीडर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये इंट्रोडक्शन पैरा है। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। इन दिस चैप्टर वी शैल यूज द आइडियाज टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमेना इन नेचर। वी शैल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रेनबो फॉर्मेशन, स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट एंड ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ये सब ये चैप्टर में हम लोग बट ऑब्वियस फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। विद द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग लेक्चर, हम लोग ह्यूमन आई की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई यानी हम लोगों के पांच सेंसर, सेंस जो ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन्स है, उसका एक पार्ट है, वो तो आप जानते ही होंगे। हमारे पांच सेंसरी ऑर्गन्स का अगर मैं नाम लूँ तो उसमें क्या क्या आते हैं फ्रेंड्स? तो आप बोलोगे आई, स्किन, टंग, राइट। फिर हो गया आई, स्किन, टंग, ये तीन हो गए। उसके बाद आता है ईयर्स एंड नोज। ओके, तो ये पांच सेंसरी जो हमारे ऑर्गन्स है, ये इसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो चीज़ है फ्रेंड्स, वो है हमारा ह्यूमन आई। तो देखिए फ्रेंड्स, द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स।
ये सबसे वैल्यूएबल और सेंसिटिव एक सेंस ऑर्गन है. इट एनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस. आजू बाजू में हमको कलर्स ये सब दिखते हैं वो किसके वजह से, तो ह्यूमन आई की वजह से. ओके, ऑन क्लोजिंग द आईज वी कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट बाय द स्मेल टेस्ट. जैसे कि मैंने बोला कि पांच जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है उसमें क्या क्या आता है, तो आई ईयर नोज टंग एंड स्किन, ये पांच हमारे सेंसरी ऑर्गन है जिसमें सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सी चीज है, तो वो हमारी ह्यूमन आई. ओके, साउंड दे कैन मेक और दे कैन टच. हम लोग कुछ हद तक अगर हमारी आंख बंद हो, लाइट हमको ना मिले, हमारी आंखों को लाइट ना मिले, तो हम लोग शायद मान लो कि टेस्ट से वो चीज़ों का पहचान लगा सकते हैं या स्मेल से वो चीज़ का पहचान लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये काम जो है वो आई के बिना नहीं हो पाता है, ये हम सबको पता है. तो एक जो हमारी ह्यूमन आई है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन है, ये आपको पॉइंट लिखना है. तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया फ्रेंड्स, जो मैं आपको मार्क करके दूंगा, ये आपको याद रख लेना है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ह्यूमन आई इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन. मैं चाहूंगा कि आप जो जो मैं यहाँ पे अंडर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मार्कअप कर रहा हूँ, वो भी आप मार्क करते रहे, वो भी आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करते रहे, और पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि ये सारे पॉइंट्स को आप कवर कर सके. एक बार इसकी शॉर्ट नोट अगर आपको बनानी हो तो आप की पॉइंट्स से कनेक्ट करते करते अपनी एक खुद की शॉर्ट नोट फ्रेंड्स बना सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वंडर वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस. ओके, इट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे आजू बाजू में जो कलर जो हम लोग कलरफुल वर्ल्ड देख सकते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली आईज. ओके, सो अब हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये दो लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें ज़्यादा लाइन्स दी हुई है, लेकिन हम लोग हमारे लिए की पॉइंट्स बना रहे हैं. अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या दिया हुआ है, द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा. ह्यूमन आई किसकी तरह है फ्रेंड्स, तो वो एक कैमरा की तरह है. कैमरा जिस तरह से काम करता है उसी तरह से हमारा आई का जो स्ट्रक्चर है, आप यहाँ बाजू में देख सकते हैं, ये एक हमारा स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, वो स्ट्रक्चर जो है वो सेम, इट इज सेम लाइक एन ह्यूमन आई. ओके, ये ह्यूमन आई जैसा ही स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, ये सेम जो स्ट्रक्चर है वो आपको कैमरा में भी मिलेगा, वन एंड ऑनली. ओके, इट लेंस सिस्टम, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको जूम करके थोड़ी देर में बताता हूँ कि हम लोग किस तरह से इसको देख रहे हैं. यहाँ पे आपको क्या रखना है कि ये लाइट अंदर जाएगी और इसके अंदर एक लास्ट में आई के अंदर एक स्क्रीन होती है जिसको हम लोग हमारी भाषा में रेटिना बोलते हैं. वो रेटिना में क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा. ओके, लाइट एंटर्स द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया. तो यहाँ पे एक और आपको पॉइंट मिल गया कि लाइट एंटर कहाँ से होती है. आपको पूछे कि ह्यूमन आई में लाइट जाती कहाँ है, तो एक थिन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब एक तरह का पर्दा जो हम लोग बोलते हैं, तो एक पर्दा होता है हमारे हमारे आंखों पे, तो वो एक जो ट्रांसपेरेंट पर्दा है वहां से लाइट जाती है, वो पर्दा यानी वो थिन मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, कॉर्निया बोलेंगे. इट इज कॉल्ड कॉर्निया. कॉर्निया से क्या जाएगी, लाइट अंदर जाएगी. इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सर्फेस ऑफ द आईबॉल एज शोन इन द फिगर. तो ये आपको ट्रांसपेरेंट बल्जिंग पार्ट दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं. ये देखिए, ये कॉर्निया जो है वो लिस्ट किया गया है, ठीक है. ये ट्रांसपेरेंट जो आप बल्ज देख पा रहे हो, ये इतना पार्ट, ये अखा कॉर्निया में आता है फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया. ओके, यहाँ से क्या होगा, लाइट जो है वो अंदर पास होगी बाद में ही. यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका रेटिना. ओके, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको समझाता हूँ, दिस इज कॉल्ड रेटिना. ओके, तो यहाँ पे लाइट यहाँ से अंदर जाएगी एंड यहाँ पे रेटिना में वो क्या बनाएगी, दिस पार्ट यहाँ पे वो क्या बनाएगी, अपनी इमेज बनाएगी. जब यहाँ पे वो अपनी इमेज बनाएगी, तो यहाँ पे इमेज बनाने के कारण, यहाँ पे इमेज बनने के कारण हमारे जो सेल्स है वो सारे मैसेजेस ब्रेन पे ले जाएंगे और ब्रेन उसको कैप्चर कर पाएगा कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है. जैसे आप बुक देखते हो, टेबल देखते हो, तो वो रेटिना पे पहले इमेज बना लेता है और उसके बाद उसके जो मैसेजेस है वो एंड तक ब्रेन तक जाते हैं और उसके बाद हमको पता चल पाता है कि ये ऑब्जेक्ट किसकी तरह दिख पाएगा. आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, हम लोग आगे बात करेंगे. द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर. तो आई बॉल का यहाँ पे शेप दिया हुआ है, कौन से शेप का होता है ये आपको याद रखना है. द आई बॉल इज स्फेरिकल इन शेप. हमारा जो आई बॉल है वो स्फेरिकल स्पीयर शेप का होगा, जिसका डायमीटर, इसका डायमीटर आपको फ्रेंड्स याद रखना पड़ेगा, जो डायमीटर है वो कितना है फ्रेंड्स, 2.3 सेंटीमीटर. 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर का एक आप स्पीयर बना लो, उतना ही हमारा आई बॉल होता है. ओके, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स इन द आउटर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया. द क्रिस्टलाइन लेंस मियरली प्रोवाइड्स द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑफ द रेटिना. वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया. तो अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर की बात हो रही है जो है आइरिस. ओके,
आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया कॉर्निया वाला पार्ट। कॉर्निया के बाद जो एक और स्ट्रक्चर जो आता है, लाइट मान लो कि यहाँ से निकली तो सबसे पहले कहाँ पे वो अथड़ाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, वो करेगी कॉर्निया पे, और उसके बाद एक सर्फेस आएगा जिसको हम लोग, ये वाला पार्ट जो है वो हमारा हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड आयरिस। दिख रहा है आपको? तो पहले आ गया आपका कॉर्निया वाला पार्ट, पहले आ गया आपका कॉर्निया वाला पार्ट, उसके बाद आएगा आपका आयरिस वाला पार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज द सेकेंड पार्ट विच इज कॉल्ड आयरिस। ओके, सो नेक्स्ट, आयरिस इज अ डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। आयरिस का काम क्या है? इट इज द डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द प्यूपिल। ये प्यूपिल को कंट्रोल करता है आयरिस जो है, दिस इज द आयरिस। एंड प्यूपिल क्या है? देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आयरिस यहां तक है, ये दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड आयरिस। ये जो स्ट्रक्चर है, वेट, दिस इज आयरिस। ओके, ये मैं आपको बता रहा हूं कर्सर से, ये आयरिस है, और इसके बाद यहां पे ये जो लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है वो है हमारा प्यूपिल। तो आयरिस का काम क्या है? ये प्यूपिल को पकड़ के रखता है, ये प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले आप इस तरह से स्टेप बना लो कि सबसे पहले क्या आएगा? कॉर्निया आएगा, कॉर्निया के बाद क्या आएगा? आयरिस आएगा, आयरिस के बाद क्या आएगा? प्यूपिल आएगा। तो लाइट जैसे जैसे अंदर जाएगी तो सबसे पहले एक मेम्ब्रेन आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉर्निया, कॉर्निया के बाद लाइट जाएगी आयरिस पे, आयरिस जो है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है प्यूपिल की साइज को फ्रेंड्स। तो प्यूपिल की साइज को वो कंट्रोल करेगा। सो हम लोग यहाँ पे ये भी अंडरलाइन कर लेंगे, ये एक और पॉइंट हो जाएगा हमारा कि आयरिस इज अ डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द प्यूपिल। ओके, फिर क्या दिया हुआ है? प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। प्यूपिल, प्यूपिल का काम क्या है? कि अमाउंट ऑफ लाइट को वो कंट्रोल करे। ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जाएगी तो उसको कम कर देगा, कम जा रही है तो उसको ज्यादा ब्राइट करने की कोशिश करेगा। तो अमाउंट ऑफ लाइट को वो वेरीज कर सकता है बाय चेंजिंग द साइज। ये जो है वो प्यूपिल है, प्यूपिल अपनी साइज चेंज करके क्या कर सकता है? वो चीज को कंट्रोल कर सकता है। ओके, द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। फिर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स के कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आयरिस, आयरिस के बाद प्यूपिल, और उसके बाद लाइट अंदर जाएगी। मैं आपको एक ड्रॉ करके बता देता हूँ, जैसे इस तरह से लाइट अंदर जाएगी और एक यहाँ पे वो इमेज बनेगी। ये जो इमेज बनेगी ना फ्रेंड्स, वो रियल और इन्वर्टेड होगी। ओके, उल्टी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी और उल्टी इमेज बनेगी। इट फॉर्म्स एन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स लिखा हुआ है, आपको ये याद रखना है, द आई लेंस फॉर्म एन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। उसके बाद रेटिना का काम क्या है? द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग द एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। बहुत सब सेंसिटिव सेल्स यहाँ पे आए हुए हैं। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेटेड ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यहाँ से जो सेल्स है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करेंगे। एंड दिस सिग्नल्स, ये सिग्नल को जैसे मैंने फ्रेंड्स बोला, तो उसको कहाँ पे भेजा जाएगा? उसको भेजा जाएगा ब्रेन पे थ्रू एन ऑप्टिक नर्व्स। उसकी जो नर्व्स होती है उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिक नर्व्स। ओके, ऑप्टिक का मतलब होता है रिलेटेड टू विजन। ऑप्टिक का मतलब यही होता है, रिलेटेड टू विजन। तो विजन के लिए एक अलग से नर्व्स आई हुई है जिसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिक नर्व्स। ओके, द ब्रेन, ये रहा पॉइंट फ्रेंड्स, द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव द ऑब्जेक्ट एज दे आर। तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा। रेटिना पे जो इमेज थी वो इन्वर्टेड इमेज थी, लेकिन ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा और उसके बाद जो चीज़ है वो एज इट इज़ वो समझने की कोशिश करेगा। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये ह्यूमन आई एक बहुत ही बड़ा शॉर्ट नॉट है, जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नॉट है जो आता ही है। ठीक है, इसके फिगर के साथ हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए फ्रेंड्स आसानी हो, ह्यूमन आई क्या है। तो ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। मैं खाली की पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वही आपको मैं वापस से समझा रहा हूँ। इट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू, एंड आई सजेस्ट कि आप जिस तरह से ये लेक्चर को देख रहे हैं, एक बार देखो, दो बार देखो, दस बार देखो, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक देखो। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ वो उसके की पॉइंट्स को कहीं नोट डाउन कर लो, तो ताकि बार बार आप रिविजन कर सको। ये सारी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट लाइन्स उन्होंने अंडरलाइन की है, ये अंडरलाइन करके दिया हुआ है, वो आपको कहीं ना कहीं आप लिख लोगे तो आपको याद रहेगा। इसके तरह के एमसीक्यू या शॉर्ट आंसर पूछ सकते हैं, और ये इवन एक शॉर्ट नोट के तौर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, इट इनेबल्स टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर अराउंड अस। तो हमारा जो आजू बाजू का कलरफुल वर्ल्ड है, वंडरफुल वर्ल्ड है, कलर्स जो है वो हमको जो दिखे दिखाई देते हैं वो एक ही चीज़ के कारण दिखाई देते हैं, इट इज़ ओनली एंड ओनली ड्यू टू ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर किस तरह से है, तो इट इज़ लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ कैमरा, जिस तरह से कैमरा होता है वो कैमरा की तरह ही है। अब आपको खाली इसमें चार चीज़ें याद रखनी है, बहुत सब चीज़ें याद करने जाओगे भूल जाओगे। जस्ट रिमेंबर द फोर थिंग्स, विच आर द फोर थिंग्स, सो नंबर वन कॉर्निया, उसके बाद आएगा सेकेंड पॉइंट है आइरिस, थर्ड पॉइंट है प्यूपिल एंड फोर्थ पॉइंट है रेटिना। बड़ा बड़ा करके अगर आप लिखो तो ये चार पॉइंट पे ही ह्यूमन आई आ जाता है। सबसे पहले क्या होगा, सिंपल भाषा में अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है वो जो लाइट है वो जाएगा कॉर्निया पे, कॉर्निया के बाद वो जाएगा कहाँ पे, आइरिस पे, आइरिस के बाद जाएगा वो प्यूपिल पे, प्यूपिल के बाद जाएगा रेटिना पे, इस तरह से ये जाएगा। ठीक है, आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है, और प्यूपिल क्या करता है, वो अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो अंदर कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी वो उसको कंट्रोल करता है। और उसके बाद रेटिना पे क्या मिलता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमको मिल पाती है, जिसके कारण हमको ऑब्जेक्ट दिख पाता है। अभी भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, रेटिना रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना लेती है, लेकिन ये मैसेज कौन सेंड करता है, ऑप्टिक नर्व्स। यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख पाओगे, दिस इज द ऑप्टिक नर्व्स, ये जो नर्व्स आपको दिखाई दे रही है, दिस आर द ऑप्टिक नर्व्स, ये ऑप्टिक नर्व्स सेंड करेगी मैसेजेस थ्रू द टू द ब्रेन, एंड ब्रेन उसको बाद में ऑब्जेक्ट को इंटरप्रेट करेगा। आई होप फ्रेंड्स ह्यूमन आई आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, इट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, आपको ये सब लिख लेना है, समझना है। आगे का हम लोग जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है और डिफेक्ट्स ऑफ विजन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आई होप आप इतनी चीज़ों को लिख लेंगे और बार बार इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो थैंक यू।